हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में सैक्रिफाइसिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो के कुछ न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और साथ ही साथ ये भी सीखेंगे कि उस न्यूमेरिकल्स के अंतर्गत किस प्रकार से हम न्यू रेशियो को कैलकुलेट करते हैं। वैसे बच्चों, जो हमारी वीडियो से पहली बार जुड़ रहे हैं बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के वीडियो को हमने पहले ही अपलोड कर रखा है। बच्चों, उस वीडियो को जरूर देखिए। बच्चों, वो वीडियो पसंद आए तो लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों, सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो के न्यूमेरिकल्स को। पहला जो एग्जांपल हमने लिया है वो इस प्रकार है। कहता ए बी एंड सी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 7:2:3। यानी ए बी और सी तीन पार्टनर है जो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को किस रूप में बांटते हैं, 7:2:1 के रूप में। आगे कहता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्या निकालने के लिए कर रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कर रहा है। क्या निकालने के लिए कर रहा है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए कर रहा है। और क्या कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और क्या कर रहा है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालने के लिए कर रहा है। इफ सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर फ्रॉम ए, अगर सी ने 1/10 भाग ए से एक्वायर किया है। तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दो रेशियो निकालने के लिए करा है। एक तो पहले बताइए कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा वो कैलकुलेट कीजिए, और साथ ही साथ करा है कि सैक्रिफाइस रेशियो क्या होगा वो कैलकुलेट कीजिए। तो बच्चों हमें मालूम है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो अगर देखा जाए तो कहा जाता है सैक्रिफाइसिंग रेशियो के बारे में कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो इक्वल टू क्या होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बच्चों, जब तक मुझे न्यू रेशियो नहीं मालूम होगा क्या मैं ओल्ड रेशियो निकाल सकता हूं, सॉरी क्या मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता हूं? नहीं, चूंकि इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो आपको दिया हुआ है 7:2:1, लेकिन क्या न्यू रेशियो दिया हुआ है? नहीं। तो न्यू रेशियो भी मुझे निकालना है और साथ ही साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकालना है। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे? न्यू रेशियो निकालेंगे। तो यहां पर हम लोग लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। कैसे निकलेगा तो जरा इनके देखते हैं। पार्टनर्स कौन कौन है बच्चों? ए बी और सी, तीन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है। हमारे कितने पार्टनर्स हैं? तीन पार्टनर्स हैं। ये हमारे क्या है? पार्टनर्स हैं। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इनका ओल्ड रेशियो कितना है? ओल्ड रेशियो कितना है? तो इनका ओल्ड रेशियो है 7:1। इसका मतलब मैं कह सकता हूं 7/10, 2/10 और 1/10, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। अब ध्यान दीजिएगा क्या हो रहा है। ये हो रहा है कि सी एक्वायर्ड 1/10 शेयर फ्रॉम ए। सी ने क्या किया? 1/10 भाग शेयर्स का किससे ले लिया? ए से ले लिया। जैसे ही ए से लिया होगा तो क्या ए अपना 1/10 भाग अपने शेयर पर छोड़ दिया होगा? हाँ या ना? जैसे ही सी 1/10 भाग किससे ले लिया? ए से ले लिया। तो मैं कहूंगा कि ए ने अपने रेशियो का 1/10 छोड़ दिया। ए ने अपने रेशियो का 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया। कर सकते हैं या नहीं कर सकते? और अगर 1/10 ये छोड़ा होगा, ए ने 1/10 भाग
अपने रेशियो का 1/20 में कहने का मतलब क्या कि 7/10 में से 7/10 में से 1/10 ए ने छोड़ दिया, किसके लिए छोड़ दिया, सी के लिए। तो ये 1/10 किसके पास आ गया होगा, सी के पास आ गया होगा। ये 1/10 किसके पास आ गया होगा, सी के पास। यानी सी का जो रेशियो था 1/10 क्या अब 1/10 नहीं रहेगा, क्योंकि 1/10 और मिल चुका है, किससे मिल चुका है, ए से मिल चुका है। तो जब 1/10 ए से मिल चुका है तो 1/10 इसका अपने रेशियो में गेन करेगा, हाँ या ना। हाँ सर जी, कह सकते हैं कि C को अब जो पहले रेशियो था 1/10 उसमें से A ने अपना हिस्सा काटा, यानी 7/10 में से 1/10 उन्होंने छोड़ दिया, माइनस कर दिया अपने रेशियो में से। 7/10 में से 1/10 उन्होंने अपने रेशियो में से माइनस कर दिया, और ये माइनस होके किसके पास चला गया, तो ये माइनस होके चला गया C के पास, और C का रेशियो इतने से क्या हो गया, बढ़ गया। तो मैं कहूंगा कि C acquired शेयर फ्रॉम ए। तो इस रूप में अगर अब देखा जाए तो कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, क्योंकि इसमें तो कुछ है नहीं, तो 7/10 में से 1/10 को माइनस कर दीजिए, तो 7/10 माइनस 1/10, तो अब ए का हिस्सा कितना बचेगा, जरा ध्यान से देखिए, 10 7 माइनस 1 डिवाइड बाय 6/10, यानी अब A के पास मात्र कितना बचेगा, 6/10। क्या B में कुछ चेंज हो जाए, नहीं, तो B का 2/10 सेम का सेम रहेगा, और C में चेंज हो जाए, हाँ 1/10 इससे मिल चुका है, तो अब इनके पास 1/10 पहले से था, और A ने भी 1/10 दे दिया, 1/10, तो अब इनके पास कितना आ गया, 10, तो 1+1=2/10। तो इस प्रकार से देखा जाए बच्चों, हमारा न्यू रेशियो कितना बन गया, हमारा न्यू रेशियो कितना बन गया, तो A का बन गया 6/10, B का बन गया 2/10, और C का भी बन गया 2/10। और जैसे ही बच्चों हमारा न्यू रेशियो आ गए, क्या अब हम सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं, हाँ आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ओल्ड रेशियो पहले से मालूम है और मेरे पास न्यू रेशियो आ गए। जैसे ही ओल्ड रेशियो मेरे पास मालूम है, न्यू रेशियो आ गए, तो हम आसानी से क्या निकाल सकते हैं, सैक्रिफाइस रेशियो निकाल सकते हैं। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन में आप नहीं भी निकालिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इस क्वेश्चन में साफ साफ कहा गया है कि ए सी ने एक्वायर किया है 1/10 शेयर फ्रॉम ए, यानी ए खुद कह रहा है कि मैं अपने रेशियो का 1/10 क्या कर दिया, छोड़ दिया। तो जो छोड़ा जाता है अपने रेशियो का वो क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइस कहलाएगा। तो यहां पर अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखा जाए तो ए का कितना आएगा, ए का आएगा 1/10 ऑफ ए, किसका आएगा 1/10 ऑफ ए, ए का 1/10 भाई उनका क्या कहलाएगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कहलाएगा। तो ये था बच्चों आपका एग्जांपल 1, जिसके आधार पर आप अगर चाहोगे तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला लगा के भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, आपके इतने ही आएंगे, आपके क्या होंगे, इतने ही आएंगे, इसमें कोई अंतर नहीं आएंगे। उसी प्रकार से एक इलस्ट्रेशन या एक एग्जांपल और देखते हैं बच्चों, ये एग्जांपल क्या कहलाता है, देखिएगा समझिएगा, ए बी एंड सी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 5:3:2। ए बी और सी तीन पार्टनर है, रेशियो कैसे बांट रहा है, 5:3:2। फिर यहां पर करता है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, यहां पर भी कर रहा है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाले एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकाले। If C acquired 1/5 share equally from A and B, यहाँ पर थोड़ा सा जरा देखिएगा, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, C acquired कर रहा है, C acquired कर रहा है, कितना acquired कर रहा है, 1/5 acquired कर रहा है, लेकिन ये 1/5 acquired जो कर रहा है वो equally acquired कर रहा है A और B से, यानी 1/5 जो इसे मिल रहा है वो A से मिल रहा है और B से मिल रहा है, लेकिन equally मिल रहा है। इसका मतलब कि C जो acquired किया है, C acquired share
इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो कितना ए से कितना और बी से कितना कि दोनों मिलके 1/5 हुआ, 1/5 सी को मिल रहा है बच्चों, लेकिन ए और बी से इक्वली मिल रहा है, तो ए से और बी से कितना मिला होगा, तो कह सकते हैं सी एक्वायर जब शेयर इक्वली किया है जो कि ए और बी से किया है, तो हम कह सकते हैं कि ए से उसे मिला होगा 1/5 का आधा और बी से भी मिला होगा 1/5 का आधा। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए से 1/10 मिला और बी से भी कितना मिला, 1/10 मिला। 1/5 का आधा किससे मिला, ए से मिला, क्योंकि 1/5 जो ये ले रहा है वो आधा आधा ले रहा है, 1/5 जो मिल रहा है इसे वो आधा आधा मिल रहा है ए और बी से, तो ए ने कितना छोड़ा होगा, तो कह सकते हैं कि ए ने 1/5 का आधा भाग छोड़ दिया, तो 1/5 का आधा भाग इन्होंने 1/10 यानी हम कह सकते हैं कि इन्होंने इतना सैक्रिफाइस कर दिया। उसी प्रकार बी ने भी 1/5 का आधा भाग छोड़ दिया, यानी बी ने भी कितना सैक्रिफाइस कर दिया, बी ने भी सैक्रिफाइस कर दिया 1/10। और जैसे ही सैक्रिफाइस कर गए तो अब हमें क्या निकालना होगा, न्यू रेशियो निकालना होगा, तो कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। अब यहां पर कितने पार्टनर है, फिर से तीन पार्टनर है, ए है, बी है और सी है, इनका ओल्ड रेशियो कितना है, तो इनका जो ओल्ड रेशियो है 5:3:2, 5/10, 3/10 और 2/10। अब जरा देखिएगा, सी एक्वायर करता है शेयर, सी एक्वायर शेयर इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, तो ए ने अपने रेशियो का कितना छोड़ा, 1/10, ए ने सी जब 1/5 लिया तो ए से कितना लिया, 1/10 लिया, तो ए कहेगा कि 1/10 छोड़ दिया, ए कहेगा कि मैंने अपने रेशियो का 1/10 छोड़ दिया, यानी जो मेरा रेशियो है उसका 1/10 भाग मैंने छोड़ दिया। छोड़ देने का मतलब क्या, मैंने अपने रेशियो का 1/10 सैक्रिफाइस कर दिया। बी भी कहेगा कि मैंने भी अपने रेशियो का 1/10 क्या कर दिया, सैक्रिफाइस कर दिया। और सी कहेगा कि मैंने ए से 1/10 लिया और बी से भी 1/10 लिया, ए से भी 1/10 लिया और बी से भी कितना लिया, 1/10 लिया। ए क्या कहेगा, सॉरी सी क्या कहेगा, सी कहेगा कि मैं ए से भी 1/10 लिया और बी से भी 1/10 लिया, जो मेरा कितना बना, 1/5 बना। कैसे, 1/10 प्लस 1/10, अगर रेशियो निकालिएगा 1 + 1 = 2/10, अगर इसे काटिएगा बच्चों तो 1/5 ही आएंगे, जो कि ये आपके 1/10 ए से लिया गया और 1/10 बी से लिया गया। तो इसके बेस पर बच्चों क्या हम न्यू रेशियो निकाल सकते हैं आसानी से, तो 1/10 माइनस, सॉरी 5/10 माइनस 1/10, तो इनके हो जाएंगे 5 - 1 = 4/10। बी का कितना हो जाएगा, बी का 3/10 माइनस 1/10, तो इनके भी हो जाएंगे 10 - 3 - 1 = 2/10। और सी का कितना हो जाएगा, 2/10 पहले से था, 1/10 किससे लिया, ए से लिया, और 1/10 किससे लिया, बी से लिया। अब इनका कितना बन जाएगा, 10 + 1 + 1 = 4/10। तो न्यू रेशियो कितने हो गए बच्चों, कह सकते हैं कि न्यू रेशियो आपका 4/10, 2/10 और 4/10 हो गए। क्या कह सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, कह सकते हैं कि न्यू रेशियो आपका कितना हो गया, ए बी और सी का 4/10, 2/10 और 4/10। और सैक्रिफाइस रेशियो अगर देखा जाए, सैक्रिफाइसिंग रेशियो देखा जाए, तो इसे आप कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो, इसे आप
कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हैं, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो आपके दिए हुए हैं, न्यू रेशियो आपके आ गए, उसे कैलकुलेट करके भी निकाल सकते हो। 5/10 में से 4/10 माइनस कीजिएगा तो बच्चों आपके 1/10 ही आएंगे। तो ये सैक्रिफाइस कितने किया, ए ने किया, और बी ने कितना किया, बी ने भी 1/10 किया, जो यहाँ पर आपके खुद ब खुद खुद आपको आसानी से पता चल चुका। तो इस प्रकार से बच्चों ये दो इलस्ट्रेशन थे। इसी प्रकार के और भी आप अपने क्वेश्चन को इसी बेस के आधार पर सॉल्व कर सकते हो। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू बच्चों।